गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ हार्डवेयर एंड उनके फंक्शंस के बारे में। तो जो हार्डवेयर डिवाइसेस जिनके बारे में बात करूंगा वो है हमारी इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का बेसिकली इस्तेमाल होता है कि जहाँ भी मुझे अपने कंप्यूटर में कोई भी डेटा फीड करना है या मुझे अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने हैं, तो उसको प्रोवाइड करने के लिए मैं मदद लेता हूँ अपने इनपुट डिवाइसेस की। प्रोसेसिंग डिवाइस जो होती है उसका इस्तेमाल ये होता है कि जो भी डेटा फीड करा गया या जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको बेसिकली प्रोसेस करना, राइट। और फाइनली हमारा जो आउटपुट डिवाइस होता है उसका काम ये होता है कि जो भी डेटा प्रोसेस होने के बाद जो भी उसका आउटकम या रिजल्ट आया है उसको डिस्प्ले करवाना। डिस्प्ले कराने का जो काम होता है वो हमारे आउटपुट डिवाइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी रिजल्ट आया है उसको वो डिस्प्ले करवाए आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर बेसिकली। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिकली इनपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस में जो चीज़ें कॉमनली आती हैं वो हमारे आते हैं कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर्स। तो अगर हम कीबोर्ड की बात करें, कीबोर्ड की का जो यूटिलाइजेशन होता है वो अगेन एज वी ऑल नो इट इज़ यूज टू एक तरह से टू प्रोवाइड डेटा और इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने के लिए हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कीबोर्ड हम बेसिकली वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें कोई चीज़ टाइप करनी है, वी वांट टू टाइप समथिंग, तो वहाँ टाइप करने के लिए हम बेसिकली कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कीबोर्ड प्रोवाइडर्स द फीचर कि जिसके थ्रू हम कोई भी चीज़ अगर टाइप करना चाह रहे हैं या कोई लेटर लिखना चाह रहे हैं, एप्लीकेशन टाइप कोई भी चीज़ हमें बेसिकली टाइप करनी है तो वो हम कीबोर्ड की मदद से कर पाते हैं। माउस जो है वो अगेन इट्स अ इनपुट डिवाइस, उसका इस्तेमाल हम करते हैं एज अ पॉइंटिंग डिवाइस। दैट मीन्स कि अगर मुझे कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है या कोई चीज़ अपने डेस्कटॉप पे मूव करनी है तो उसके लिए मैं बेसिकली जो यूज़ करता हूँ वो मैं माउस करता हूँ। वो एक तरह से सेलेक्टिव और पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पर यूज़ होता है। फिर आपका आता है हमारा है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो होता है वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं टू रिकॉर्ड अ साउंड, राइट। तो अगर मैं कोई साउंड रिकॉर्ड करनी है तो वहाँ हम जो है माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमारा लास्ट आता है स्कैनर। स्कैनर जो होता है वो अगेन इज़ अ इनपुट डिवाइस, और इसको हम बेसिकली यूज़ करते हैं कि हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट है या कोई पिक्चर है जिसको एक तरह से हम अपलोड कराना चाह रहे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो उसको अपलोड कराने के लिए हम यूज़ करते हैं स्कैनर। स्कैनर की मदद से हम कोई बेसिकली एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो या फिर कोई इमेज पिक्चर जैसा डॉक्यूमेंट हो उसको हम चाहते हैं अपने कंप्यूटर में फीड करवाना, तो वहाँ पर हम स्कैनर का यूज़ करेंगे। अब हम आते हैं अपनी प्रोसेसिंग डिवाइस के ऊपर, हम उसके बारे में बात करेंगे। प्रोसेसिंग डिवाइस में जो एक्चुअली जो हार्डवेयर हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बेसिकली एक हार्डवेयर है जिसका काम ये होता है कि जो भी हमने डेटा दिया है वो उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस कैसे करता है, जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसकी बेसिस पे वो उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद जो भी उसका रिजल्ट आता है वो उसको आउटपुट डिवाइसेस पे भेज देता है जिसके थ्रू हम बेसिकली उस रिजल्ट को देख पाते हैं। तो अगर हम आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो आउटपुट डिवाइस में जो चीज़ें आती हैं वो आते हैं हमारे मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, स्पीकर्स, हेडफोन। मॉनिटर अगेन इज़ अ आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर के थ्रू ये होता है कि जो भी रिजल्ट है डेटा प्रोसेस होने के बाद मैं उसको अपने कंप्यूटर के मॉनिटर पे देख पाता हूँ। प्रिंटर मैं वहाँ इस्तेमाल करता हूँ अगर मुझे जो आउटपुट चाहिए वो एक तरह से प्रिंटेड चाहिए एक पेज के ऊपर, तो वहाँ मैं प्रिंटर का इस्तेमाल करता हूँ, तो जो भी उसका आउटपुट है वो मेरे पेज पे प्रिंट होके आ जाएगा। स्पीकर जो है वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर हम नॉर्मली यूज़ करते हैं बेसिकली कि इफ़ वी आर लिसनिंग अ सॉन्ग, अगर हमें कोई सॉन्ग सुननी है तो उसके लिए हम स्पीकर्स का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह जो है हमारे जो आपके हेडफोन्स होते हैं वो भी हम बेसिकली एक तरह से ऑडियो कोई फाइल है या कोई सॉन्ग है उसको हम बेसिकली सुनने के लिए भी हम हेडफोन्स इस्तेमाल करते हैं। स्पीकर्स और हेडफोन्स का मोर ओवर जो फंक्शन होता है वो एक तरीके का ही होता है जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं डिपेंडिंग ऑन माय नीड। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम गोइंग टू कंक्लूड माय लेक्चर। नाउ आई वांट दैट यू शुड वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली, और अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती सो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी एज माई नंबर इज़ ऑलरेडी गिवन इन द ग्रुप। थैंक यू।